हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसका बनाने का जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार की जाती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें भी आपको इस ग्रेवी को बनाना है वो बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल में इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 kg आधा किलो के करीब लच्छेदार प्याज। प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक, बहुत ही प्यारा कलर आने तक भूनना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर इसमें आ गया है। तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी, ज़ीरा, छोटी इलायची, बादियान का फूल, लौंग, काली मिर्च, सारे खड़े मसालों का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम इन्हें प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज हमारी अच्छे से भून रही है, पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पत्थर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इन्हें ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। लहसुन और अदरक इसमें डालिए। मैंने यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें डालकर अच्छे से इन्हें मैश कर दिया है। देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इन्हें पेस्ट फॉर्म में बना लिया है। तो सभी अदरक लहसुन को हम प्याज के साथ इसमें डाल देंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से हमारी प्याज है वो लाइट गोल्डन हो गई है, बहुत ही अच्छा सा कलर इसका निखर कर आ गया है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को इसमें डालेंगे। प्याज के साथ हमें 1 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्याज है काफ़ी अच्छे से गोल्डन हो गई है, बहुत ही अच्छा कलर इसका आ गया। तो इसमें डालेंगे चिकन। जितना भी क्वांटिटी में आप चिकन बनाना चाहते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे कुछ मसाले पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को मिलाकर अच्छे से चिकन के साथ भूनेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो काफ़ी अच्छे से फ्लेवर भी दे और मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच दही। जब भी दही का इस्तेमाल करें तो वो फ्रेश होना चाहिए, खट्टी दही ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो जब भी दही डालें तो फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। चिकन में डालेंगे 1 लच्छेदार प्याज। स्टार्टिंग में हमने प्याज फ्राई करते हुए थोड़ी सी प्याज को बचा कर रख लिया है, वो प्याज को हम इसमें डाल देंगे चिकन में। और इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने 10 काजू 10 बादाम को अच्छे से पत्थर पे कूट लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी इनको पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, इससे काफ़ी अच्छा ग्रेवी का जो टेक्स्चर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चिकन में हम इसको ऐड करेंगे, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। इसमें कोकोनट का बुरादा ऐड करेंगे पाउडर 1 टेबल स्पून, और चिकन को हमें अच्छे से 1 मिनट पका लेना है। यहाँ पर मैंने 1 मिनट पका लिया है। तो नमक हमने ऐड नहीं किया था सारा। जब मसाला अच्छे से पक जाए तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और भी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें केवड़ा ऐड कर रही हूँ, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है वो भुन गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसमें मखाना ऐड करेंगे। सारा फ्लेवर जो टेस्ट है वो मखाने से आएगा। बिल्कुल शादियों जैसा चिकन हमारी ग्रेवी बनके तैयार होगी। तो मखाना ऐड करने के बाद हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं और ढक कर 2 से 3 मिनट पका लेंगे। ये काफ़ी जल्दी गल जाता है चिकन। 2 से 3 मिनट ढक कर पकाने के बाद आइए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो चिकन है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नान के साथ इन्हें चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।